समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। कोर्ट ने स्वार उपचुनाव पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। 10 मई को स्वार विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तो यहां पर बड़ी खबर आ रही है अब्दुल्ला आजम से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए इनकार किया है। आपको बता दें अब्दुल्ला की याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए इनकार किया गया था, जिसको लेकर के अब नोटिस इनकी याचिका पर जारी किया गया, लेकिन राहत फिलहाल अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब्दुल्ला आजम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, क्या कुछ रहा कोर्ट में, जानना चाहेंगे। देखिए प्रीति, उन्होंने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को कोई राहत नहीं दी, हालांकि नोटिस जरूर जारी किया है। अब जो है सवाल ये उठता है कि अब्दुल्ला आजम ने जो आरोप लगाया है कि जब ये घटना हुई थी उस समय मैं नाबालिग था, लिहाजा जब मेरी सदस्यता चली गई, मुझे जब सजा दी गई तो और ये घटना जब हुई उस समय मैं नाबालिग था, इसको लेकर के याचिका दायर की है। और ये कहा है अब्दुल्ला आजम ने कि मेरी जो है जो दोष सिद्धि है उससे रोक लगाई है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है इससे कोई राहत नहीं दी। पक्षों को नोटिस जरूर जारी किया है। जो अब्दुल्ला आजम की जो याचिका थी उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जब 2 जनवरी 2008 जिस घटना को लेकर उसे सजा सुनाई गई है उस दौरान जो है अब्दुल्ला आजम नाबालिग थे, इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने उनको बालिग मानते हुए उन पर मुकदमा चलाया। लिहाजा जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जो सर्टिफिकेट है, उसको नहीं देखा गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा उस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया, इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा जो भी कार्रवाई की गई, जो सजा मुझे सुनाई गई वो कानूनी रूप से ठीक नहीं है, जिसे की रद्द किया जाना चाहिए। इसको चैलेंज किया है जो सजा दी गई उसे रद्द किया जाना चाहिए, दोषी बीच में रोक लगनी चाहिए। लिहाजा अब जो है नोटिस हो चुका है, अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्या अब्दुल्ला आजम को राहत मिलती है।